बेटा आप लोग कह रहे थे सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर वन नहीं हो रहा आपसे, ये है ना क्वेश्चन बेटा वो। जी सर। अच्छा ये भी करते हैं, अभी स्टार्ट यहीं से करेंगे। और जी और भी बता दें जल्दी से, और कौन सा क्वेश्चन किससे नहीं हुआ अभी? सर क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन टेन नहीं नंबर सर, एक मिनट एक मिनट। 10 नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 7। सर क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट भी नहीं हुआ मुझसे। क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं अच्छा हुआ। ये तो भाई सारे बन गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री भी नहीं हुआ, नो सर। ओके ये भी क्वेश्चन कर नंबर लेते हैं। 39। 39, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल है जितने अपने नाम लिए हैं यही आज की क्लास में हो जाएं तो काफी होंगे। सबसे पहले जी ये कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ तीन इक्वेशंस देख के आप लोग डर गए होंगे, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। कह रहे कि एन इम्प्योर सैंपल ऑफ BaC2O4 ऑफ मास 0.500 ग्राम इज एडेड टू 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.02 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एसिडिफाइड KNO4 NXS। अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑल दी BaC2O4 रिएक्ट्स। अच्छा बेटा सबसे पहले ना ये काम क्या करें कि जिस चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसने दी होती है उसके मोल निकाल लिया करें। तो अभी जो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको क्या समझ आ रही है, किस चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है? सर KNO4 के बारे में दी हुई है। देखो वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बेटा मोल्स आ रहे हैं आपके पास 0.001 मोल्स, ठीक है जी, ये आपके पास मोल आ गए। अच्छा ये लेकिन एक्सेस में है, ठीक है, ये जेन में रहे कि ये मोल आपके एक्सेस में है। अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स टोटल प्लेस मोल एंड जी एंड मतलब टोटल मोल का मतलब ये है कि आपने टोटल इतने डाले, इसमें से 0.001 में से कुछ रिएक्शन कर गए और कुछ बचे हुए हैं अनरिएक्टेड। अब क्या होगा, अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑल दी बेरियम BaC2O4 रिएक्ट, ठीक है। पहले बेटा इन दो का रिएक्शन हुआ ना, इन दो का, तो C2O4 सारा खत्म हो गया लेकिन ये कुछ अभी अनरिएक्टेड है। कितना अनरिएक्टेड है ये आपको पता है कि कितना अनरिएक्टेड है? नहीं ये नहीं पता। तो यही पता चलाने के लिए अब ये जो अनरिएक्टेड MnO4 है इसका रिएक्शन वो फर्दर किससे करवा रहा है, देखो दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग अनरिएक्टेड MnO4 इज टाइट्रेटेड विद 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर Al2। ये Al2 की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है भाई, इसके मोल निकाल लो अब Al2 के, तो 30.40 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपके पास बेटा इसके मोल आ रहे हैं। मोल्स ऑफ Al2 इज इक्वल टू 0.00152, ये मोल्स आ रहे हैं। अब देखो अब ये जरा सिनेरियो फिर देख लो कि BaC2O4 को रिएक्ट करवाने के लिए आपने एक्सेस में MnO4 डाला, इतना MnO4 डाला कि वो MnO4 सार उस MnO4 ने सारे के सारे BaC2O4 से रिएक्शन कर दिया लेकिन कुछ MnO4 बच गया। जो MnO4 बच गया है उसको रिएक्ट करवाने के लिए आपने Al2 लिया और Al2 के इतने मोल्स आपने यूज किए ताकि जो अनरिएक्टेड MnO4 था उसके साथ रिएक्शन किया जा सके। तो अब पहला काम बेटा ये होगा कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को ना बैलेंस करना है, इनके कॉफिशियंट पता होने चाहिए ना, कि अगर देखो आपको Al2 के मोल्स का पता है तो अगर आपके पास बैलेंस इक्वेशन होगी तो क्या आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि भाई अगर Al2 के इतने मोल यूज हो रहे हैं तो MnO4 के कितने होंगे, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा भाई इन दो इक्वेशंस को बैलेंस करने का क्या तरीका है? Al2 इज पहले को लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करेंगे शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे तो इक्वेशंस खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी। Al2 पांच इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, MnO4 पांच, Al2 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, MnO4 -1 पांच इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर आयरन एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो MnO4 -1 को एक ही गेन करना चाहिए था लेकिन MnO4 -1 इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस कि आयरन को पांच इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे।
और ये ऊपर वाली, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है, 5 को 1 से, 1 से 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई रेशियो क्या बनी, रेशियो बताओ क्या बनी। 1 to 5. यस, तो मोल्स ऑफ आयरन 2 अगर 0.00152 है, तो मोल्स ऑफ MnO41 माइनस कितना होगा भाई बोलो। डिवाइड लिथियम होगी 5 से, फिर क्या होगा भाई, सॉरी 5 सॉरी से सॉरी, हाँ डिवाइड. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 5:1 है, मतलब आयरन के अगर 5 मोल है तो MnO4 का 1 मोल यूज होगा, 5 गुना कम यूज होगा, तो 0.00152 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा जी, ये 3.04 3.0। टाइम्स 10 की पावर -4. एक मिनट सिर्फ, डिवाइड बाय 5 किया तो 0.00030 4 मोल्स। ये बेटा आपके पास, ये बताओ ये कौन से मोल्स आए हैं जी आपके पास MnO4 के सर जो एक्सेस में थे. यस जी, अनरिएक्टेड कह सकते हैं इसको, सर. ये अनरिएक्टेड मोल्स हैं, ये वो मोल्स हैं जिन्होंने BaC2O4 से रिएक्शन नहीं किया था। अब बेटा ये बताओ कि टोटल मोल MnO4 के कितने हैं, टोटल मोल्स ऑफ MnO41 माइनस 0.001 अनरिएक्टेड कितने हैं भाई, बोले अनरिएक्टेड मोल्स कितने हैं। 0.00034. इनको माइनस करें तो बेटा कौन से मोल्स आएंगे, क्या वो मोल्स नहीं आएंगे जिन्होंने BaC2O4 से रिएक्शन किया, जी सर, वही आएंगे. तो मोल्स ऑफ MnO41 माइनस रिएक्टेड विद BaC2O4 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 0.001 माइनस 0.00030 4, और ये आ गया बेटा 0.000696। यहां तक बेटा बताइएगा क्लियर है। यस सर. अब मेरी बात सुनो बेटा, आपको ये पता चल गया है कि इतने मोल MnO4 के यूज हुए जिन्होंने BaC2O4 से रिएक्शन किया, ठीक है। अब आप ये करो कि बेटा इनमें ना इन इक्वेशंस को बैलेंस कर लो भाई, इन इक्वेशंस को, पर इनको भी बैलेंस करना होगा ना, इनको कैसे बैलेंस करेंगे भाई बोलो। सर ऊपर वाली इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली 2 से. जी तो बेटा आपको ये समझ आ रही है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 हैं, तो इसको मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे ना, तो ये पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी ऐसे, तो ये 5 मोल ऑफ C2O4 ये 10 हो जाएगा, ये भी इतना 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे राइट। लेकिन प्रोडक्ट वाली सेट को भी करने का फायदा नहीं, हमने रिएक्टेंट हमारे लिए यूजफुल है, हमें मोलर रेशियो फिलहाल चाहिए, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बेटा ये होगा ना सारा काम, तो मुझे बस रेशियो चाहिए ये वाली। तो अब बेटा बोलो कि MnO41 माइनस और BaC2O4 में जो मोलर रेशियो है वो 2:5 है, 2 मोल MnO4 के होंगे तो 5 मोल BaC2O4 के यूज होंगे, तो अगर MnO4 के इतने मोल हैं 0.000696 तो BaC2O4 के एक्स होंगे, तो यहां से एक्स निकाल लो, मोल्स आ जाएंगे, उसको मैथ्स में लेके जाएंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है जी। तो 0.000696 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2, बेटा ये मोल्स आएंगे भी आपके पास BaC2। 0.0174. मेरा कोई और बच्चा भी कर ले ताकि क्रॉस चेक हो जाए तो जी, वन सर ये पॉइंट सेवन फोर टाइम्स 10 टू द पावर -3. जी 0.00174 मोल्स, ये मोल्स आए हैं भाई, इसको ना अब मैथ्स में लेके जाओ, अब मैथ्स में इसमें लेके जीरो जाओ तो पॉइंट क्या, जीरो वन सेवन फोर है, 1 0 है. नहीं सर, 3 0. 0.00 नहीं बेटा जीरो तो नहीं, 3 दो 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 से ही है बेटा, दो ही है। अच्छा अब बेटा देखिए, आपको ना उसने MR दिया हुआ है, तो लिहाजा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपने मैथ्स निकाल लें, मैथ्स ऑफ BaC2O4
ये बेटा मोल्स है ना, इसको इस एमआर से मल्टीप्लाई कर दो, 0.00174 मल्टीप्लाई बाय 225.3, 225.3 ये आ रहा है 0.392। अब बेटा ये देखो, ये 0.392 ग्राम आ गया। इम्प्योर सैंपल था 0.5 और जो प्योर था जिसने रिएक्शन किया वो 0.392। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो प्योर मैस ऊपर रखो 0.392, टोटल मैस नीचे रखो 0.500 इंटू 100 कर दो बेटा। सेवेंटी 8.4%। तो दिस इज द आंसर। जी बताएं बेटा, ये क्लियर हो गया? यस सर अच्छा सर ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, ये वाला प्लीज देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू ये का पार्ट बी। पार्ट बी, ये जो बेटा जी, ये जो हाँ मैंने यस सर, खोला ये हुआ, पार्ट बी। ठीक है। अच्छा बेटा इसमें ये कह रहा है, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ के डब्ल्यू डी टू ओ हैज अ वैल्यू ऑफ 1.35 × 10⁻¹⁵ मोल्स के डीएम -6 एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द रिएक्शन फॉर द डी टू ओ। देखो जिस तरह वाटर है ना, इस तरह डी टू, डी सिर्फ क्या है याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना उसको ड्यूट्रियम बोलते हैं, H2O जो है, या 1-2। तो इसका के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आपने लिखना है, ये भी जिस तरह वाटर आयोनाइज होता है ना एच प्लस और ओ एच माइनस में, इस तरह डी टू ओ भी होगा डी प्लस में और ओ डी माइनस में। तो के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन ये लिखेंगे, डी प्लस ओ डी माइनस। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 298, एज्यूम डी प्लस इज इक्वलेंट टू एच प्लस फॉर द पीएच कैलकुलेशन। देखो बेटा आपको ये बताया गया था कि जब भी आपने प्योर वाटर की पीएच निकालनी है, पहले मैं वाटर से समझाता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। बेटा ये बताओ, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो अगर एक एच प्लस बनेगा तो एक ही ओ एच आइन बनेगा ना, अगर एक एच प्लस बन रहा है तो ओ एच आइन कितने बनेंगे, एक ही बनेगा या नहीं? ठीक है, मतलब इस तरह आप ये कह सकते हो कि जो पीएच है ना वो न्यूट्रल रहेगी, मतलब जितने एच आइन बन रहे हैं उतने ही ओ एच आइन बन रहे हैं। तो क्या अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन, इस बात से एग्री करते हैं कि इन प्योर वाटर में जितने एच आइन होंगे उतने ही ओ एच आइन होंगे, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर आपको एतराज ना हो, क्योंकि एच और ओ एच आइन इक्वल है तो मैं एच आइन का स्क्वेयर ले लूं, मतलब ये 2 है और ये भी 2 है तो 2 का स्क्वेयर ले सकता हूं ना। इसी तरीके से बेटा वो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपने इसका डी टू ओ जो न्यूट्रल वाटर है उसकी पीएच निकालनी है, तो मतलब ये हुआ कि जितने डी आइंस बनेंगे उतने ही ओ डी माइनस भी बनेंगे। तो हम मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं फिर, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ डी प्लस का स्क्वेयर लिख सकता हूँ बेटा या नहीं, या ओ डी माइनस भी लिख सकता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं जी ओ डी माइनस का स्क्वेयर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल जो हुए। अब बेटा क्या करना है आपने, आपके पास के डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, के डब्ल्यू की वैल्यू है 1.35 × 10⁻¹⁵। बेटा जिस बच्चे का ये क्वेश्चन था वो भी जरा मुझे बताए कि ये समझ आया मैंने ये कैसे किया है डी का स्क्वेयर, हाँ जी। बेटा सर समझ नहीं है क्या कह रहे हैं आप। मैं आपका जो क्वेश्चन था मुझे ये बताओ, ये आपको पता चले मैंने इसका स्क्वायर क्यों लिया, पहले ये बताओ। यस सर पता चल गया। ये अगर आपको याद हो जब मैं आपको ये करवा रहा था तो मैंने उसमें पीएच ऑफ प्योर वाटर निकालना सिखाया था, तो वहां पर मैंने एच आइन और ओ एच आइन जब इक्वल होते हैं तो मैंने कहा था आप एच आइन का स्क्वायर ले सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हो गया, बस अंडर रूट लो और आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके सर। अब अंडर रूट लोगे तो आपके पास बेटा इसका जो आंसर आएगा, यस सर। 3.67 × 10⁻¹⁸ 3.67 × 10⁻¹⁸ और ये आ गया आपके पास डी प्लस। अब बेटा इसको बस पीएच के फॉर्मूला में डाल दो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस की जगह बस डी प्लस लिखते जाओ, एच प्लस की जगह डी प्लस, बस बाकी कुछ नहीं करना।
7.4. तो 7.4 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट. बेटा एक मिनट, पहले क्वेश्चन 3 देख लें। क्वेश्चन 3 का कोई है बेटा स्टूडेंट, या इसको स्किप कर दें? स्किप कर दो अच्छा ठीक है जी। नूर आप कौन से कह रही हो बेटा? क्वेश्चन 5. सर मैंने आपसे वैसे एक बात पूछनी थी. जब वो जी हमें जी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने का कहते हैं तो हम लोगों को जो एटम्स का साइज है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 नहीं, मैटर नहीं करता। वैसे अच्छी बात है, ध्यान कर ले, लेकिन मैटर नहीं करता ये। ओके. ठीक है अच्छा जी, अब आ जाए इस क्वेश्चन पर। ये जो नूर ने पूछा है, पहले इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं। यस सर. ओके अच्छा, मैं पहले ऊपर भी देख लूं। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। हाँ बेटा, ये सोडियम, पहले इसकी आपको अगर इक्वेशन आती होगी ना, तो ये परेशानी से होगा। इसके इक्वेशन क्या होगी बेटा? सोडियम और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, क्या टू बैलेंस टू टू एन एच बनेंगे. टू NaOH, और साथ में कुछ और भी बनेगा? नहीं सर. नहीं, शाबाश। याद रखिएगा, जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है देन हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, तो बस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई साइड प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेंड व्हेन 3.10 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड आर एडेड टू 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इक्वेशन लिखते हैं जी, Na2O को आपने वाटर में डाला और आपके पास बना 2 मोल्स ऑफ NaOH, और यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है ये है बेटा आपके पास 3.10 ग्राम्स। इसका बेटा MR जरा जल्दी से निकाले। सोडियम का होता है 62 23 है. ग्राम्स और प्लस 16, कितना आ गया? 62 सर. 62. 62। तो बेटा इसको जरा डिवाइड करते हैं जी हम, यहाँ पर मोल आ देंगे आपके पास। ठीक है, 3.10 डिवाइडेड बाय 62, तो ये आ गया 0.05 मोल्स। एक बात जहन में रहे कि टोटल वॉल्यूम 400 है, राइट? टोटल वॉल्यूम यस 400 सर. क्यूबिक वाटर सेंटीमीटर। की अच्छा, ये जो मोल्स बने हैं, ये जो मोल्स बने हैं 0.05 मोल्स, ये तो Na2O के हैं। ठीक है, Na2O जब वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो अपने से डबल NaOH बनाता है। तो अब NaOH के जो मोल बनेंगे वो इसके डबल बनेंगे, 2 टाइम्स 0.05 ना। यस सर. 0.1. ये कितना हो जाएगा जी? ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मोल्स आ गए जी NaOH के। अब यस बेटा ये सर. जो आपके पास मोल्स आए हैं NaOH के, ये मोल्स 400 में हैं, दिस इज नॉट कंसेंट्रेशन। आपको पता है, आप जब भी कोई पीएच वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, जब आपने पीएच निकालनी होती है, तो पीएच निकालने के लिए आपको कंसेंट्रेशन, क्योंकि वो उस फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं ना, तो आप जरा आप कंसेंट्रेशन निकाल लें। आप कहेंगे जी कि 0.1 मोल 400 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहे हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप इस तरह करो, 0.1 मोल्स आपके 400 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे? एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 400। आपके पास अब कंसेंट्रेशन आएगी NaOH की तो 0.25. जी 0.25 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखो, अब आप NaOH की कंसेंट्रेशन आपको पता चल गई है। अब आगे क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा है कि NaOH है, आपको पता है दिस इज द स्ट्रॉन्गर बेस, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा Na प्लस में और OH माइनस में। इसके 0.25 मोल्स हैं, तो Na के भी 0.25 बनेंगे, OH के भी 0.25 मोल्स बनेंगे। अब KW का फॉर्मूला लगाओ नेक्स्ट स्टेप में, KW इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस KW जो है बेटा एट रूम टेम्परेचर 1.0 टाइम्स 10^-14। एच आइन इज अननोन और OH आइन आपके पास 0.25। यहां से बेटा एच आइन आप निकाल लो और फिर उसको पीएच के फॉर्मूला में डाल देना। तो 4 × 10⁻⁴ एच प्लस की कंसंट्रेशन एच प्लस क्या आ रहा है बेटा? 4.0 टाइम्स टेन फोर रेस टू पावर
-14 -14। अब बेटा इसको पीएच के फॉर्मूला में डालो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो क्या आ रही है जी पीएच? सर, थर्टीन 13.4 फोर जीरो। ठीक है, दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है, हाँ यस सर। जी, क्वेश्चन हाँ जी फोर बेटा, में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जी जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वो ऊपर है जी। सर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन, ठीक है, देखो मेरा हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक SP2 है, पर आंसर में SP लिखा है। अच्छा, मैं आपको एक बार पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ ना। फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो फिर इसमें कभी नहीं होगी। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये है फॉर्मूला जो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। देखो, मॉलिक्यूल कौन सा है? HCN है, नाइट्रोजन जी सर, इट्स सेम। की पूछ रहा है ना। तो नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर, कितने अटैच एटम है? नाइट्रोजन के पास अटैच एटम्स कितने हैं? सर वन है। एक। तो 1 + 1, एक लोन पेयर और एक अटैच एटम, आंसर आ रहा है 2। बेटा इस 2 का मतलब ये नबीहा, 2 का मतलब ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन मिक्सिंग। तो उसमें से एक एस है और एक पी है, sp1 pb1। तो आंसर 2 आ गया ना। आप sp2 कैसे निकाल? अगर sp2 होता तो फिर नाइट्रोजन के साथ कम से कम 2 अटैच एटम्स होते और एक लोन पेयर होता, देन sp2 होता। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 है अब। क्वेश्चन नंबर 7, ये स्टार्ट से सर पार्ट सेकंड और फिर आगे वाला, सेकंड ठीक पार्ट और है। सी पार्ट जो पूरा। ठीक है बेटा, इसके पीएच क्या आई थी? पीएच मुझे बताओगे? 2.50 आ रही है। 2.50। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम अगर नमाज के बाद कर लें भी, क्योंकि अजान यहाँ पर हो रही है, अजान के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, यहीं से मैं इसको। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन जो कि अभी हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका ये सी पार्ट। द लेकिन सेकंड इसमें भी जो है क्या, इक्वेशन वाला। अच्छा सेकंड भी करना है? यस सर। अच्छा अच्छा ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर दी सोडियम साइनेट NaNCO इज, अच्छा ये NaNCO ना इसी से बन रहा है, ये जो एसिड है ना HNCO, बस इसी का इसने एच की जगह Na लगा दिया, तो ये सॉल्ट बन गया एक। NaNCO इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ आइसोसियनिक एसिड। सोडियम साइनेट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय रिएक्टिंग यूरिया विथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, उसने तो आपको सब चीजें बता दी हैं इसमें, ये है आपका यूरिया। यूरिया इस तरह होता है भाई, कार्बोनाइल होता है, इसके दोनों साइड पर एमाइनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, दिस इज द यूरिया, और इसका रिएक्शन करवा रहा है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। अदर प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड स्टीम। ठीक है जी, तो राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaNCO। देखो उसने आपको अदर प्रोडक्ट्स बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया बता दिया है, NH3 है, स्टीम बता दिया, H2O है, और एक और प्रोडक्ट कौन सा बताया जी, बताएं जी बेटा, चौथा प्रोडक्ट क्या सर वो बताया ये हुआ है? होगा जी ना HNCO हमारा। NaNCO, NaNCO बताया मैंने बेटा, उसने क्वेश्चन में तो बताया हुआ है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaNCO, तो NaNCO ये लिख दिया। बस बैलेंसिंग चाह रहा है भाई, बैलेंसिंग करनी है इसमें, और तो कुछ भी नहीं करना। देखो सोडियम 2 है यहाँ पर, 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा दो बस। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4। अच्छा सर जी बेटा, कुड यू डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
एक बेटा पहले मैं ये कर लूंगी, नाइट्रोजन दो है यहाँ पर, बेटा टू लगा दिया ताकि नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम आपके दो है ना, तो सोडियम की जगह तो हमने टू लगा दिया। और इसकी बैलेंसिंग मैं जल्दी से करता हूँ, फिर हम बेटा आगे चलते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी। 2 मोल अमोनिया के बन गए, ओहो 2 मोल अमोनिया, और ये जी। अच्छा बेटा आप कौन सा क्वेश्चन कह रही है, मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करवा लूँ उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई, नंबर बताएं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बी अच्छा वन फर्स्ट पार्ट, अच्छा B1, ठीक है। अब देखो बेटा ये वीक एसिड है ना, कैसे पता चलेगा जी ये वीक एसिड है, ये बताइएगा कैसे पता चला मुझे ये वीक एसिड है। हाँ बेटा सर, रीड हुआ उन्होंने था, रिएक्शन है उसमें मुझे KA बताया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन वीक एसिड के लिए होता है, KA का एक्सप्रेशन वीक एसिड के लिए है, तो लिहाजा अब मैंने ये करना है बेटा, KA का एक्सप्रेशन लिखूंगा पहले इसका, ये बनेगा H+, ये बनेगा NCO- डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HNCO। अब आपको ये पता है कि बेटा अगर ये जो मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं ना, जो एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसमें एच आइन की और जो नेगेटिव पार्ट होता है इसमें 1:1 रेशियो होती है, मतलब जितना एच आइन बनेगा उतना ही NCO- भी बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर, और मैं यहाँ वैल्यूज भी पुट कर रहा हूँ बेटा, तो KA की जगह वैल्यू पुट करूंगा 1.2 × 10⁻⁴। बड़ा क्या ये मैं कह सकता हूँ कि एच आइन और एन माइनस की कंसेंट्रेट एक जैसी बराबर है, बताइएगा। Yes. कह सकते हैं 1:1 रेशियो है, तो फिर हम इसका स्केयर भी ले सकते हैं ना, अगर एच आइन की कंसेंट्रेशन NCO- के इक्वल है तो मैं एच आइन का स्केयर, क्योंकि दोनों ही बराबर हुए तो मैं इसका स्केयर ले लिया। और आपको ये बात पहले भी बताई गई थी कि जो वीक एसिड होता है ना बेटा, वीक एसिड उसकी जो स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन होती है, इक्विलिब्रियम पर भी वही कंसेंट्रेशन होती है, उसकी रीजन ये है कि वीक एसिड ना होने के बराबर आयोनाइज होता है। तो बेटा आपने बस सिंपल क्या करना है, 1.2 × 10⁻⁴ × 0.1 = H⁻ का अंडर रूट ले लो, एच आइन की जो वैल्यू आएगी उसको pH के फॉर्मूला में, समझ आ गया है। यस सर जी बेटा जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था हो जाएगा आगे। जी ओके सर अच्छा जी इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन पर आते हैं जी। ये है क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए उसने ये जो लिखा है ना कंप्लीट आयोनाइज, इससे ये बात समझ आ रही है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो अपने से डबल ओ एच आइन बनाएगा, जितने बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल है उसका डबल ओ एच आइन बनेगा। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड टू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आइसोसियानिक एसिड, द पीएच वाज मेजर्ड, कैलकुलेट द ओ एच एट द एंड ऑफ एडिशन। बट इसको ऐसे समझो कि आपके पास ना ये कॉनिकल फ्लास्क था, कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था, ठीक है आइसोसियानिक एसिड, और कितना था भाई ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आप ये कर रहे हो भाई कि आपने ऊपर से ब्यूरेट से क्या ऐड करना है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड ये ऐड करना है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने कितना ऐड किया 30 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। वो कह रहा है ये बताओ कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच एट द एंड ऑफ एडिशन। अब जरा क्वेश्चन फिर सुन लो, कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, कंसेंट्रेशन थी 0.1 मोल, ठीक है जी, आपने ऊपर से बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और जाहिर बात है एक्सेस में किया होगा ना, तभी वो कह रहा है कि एट द एंड आप ओएच की कंसंट्रेशन बताओ, तो आपने ओएच ऊपर से कितना ऐड किया है, कह रहा है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ऐड किया इतनी कंसंट्रेशन के साथ, तो कह रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन बताओ ओएच की कंसंट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले काम ये करो, मोल्स ऑफ ओएच आइन निकाल लो, मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालो, देन ओएच आइन निकाल लो, तो मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड बड़ा वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो,
थर्टी टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, कीजिएगा जरा इसको बेटा, अभी कर लेते हैं ये देखें, 30 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 0.003 ठीक है यार बेटा, 0.003 मोल्स। बट ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, असल में तो रिएक्शन तो OH आयन कर रहे हैं ना भाई, तो आपने देखो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालने हैं, और आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसमें तो OH आयन, बेसिकली OH आयन और H आयन का रिएक्शन हो रहा है, तो OH आयन कितने हो गए ये बताओ, मोल्स ऑफ OH आयन। 0.006 जी ये देखो 1:2 है, जितने बेरियम हाइड्रोक्साइड होंगे हाइड्रोक्साइड उसका डबल बनेगा, तो 2 टाइम्स 0.003 तो ये बनेगा 0.006 मोल्स। बेटा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, OH आयन के मोल्स निकालने हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में एच और OH का रिएक्शन होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को नहीं देखना बल्कि उसके नतीजे में जो OH आयन जनरेट हो रहे हैं उनको कंसिडर करना है। तो ये आपके स्टार्टिंग मोल्स हैं, स्टार्टिंग में आपने इतने डाले। फिर अब बेटा सर हमने नीचे आपके, बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फिर क्यों निकाले? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालेंगे तो OH आयन के मोल नहीं निकलेंगे क्या ये बताओ। जी हाँ सर, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो ये हो रहा है, देखो एसिड बेस रिएक्शन तो ये हो रहा है, एच प्लस और OH माइनस, तो अब OH माइनस के मोल्स हमें ढूंढने थे, तो OH माइनस के मोल्स ढूंढने के लिए पहले मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाले और फिर मुझे OH आयन के मोल पता चल गए। ठीक है जी, सही है सर। देख लेते हैं कि नीचे फ्लास्क में एसिड कितना है भाई, नीचे फ्लास्क में एसिड कितना है, ये तो बेस के लिए काम था ना, अब एसिड कितना है तो वो कलर देखते हैं, मोल्स ऑफ एसिड। याद रखो ये जो आइसोसियानिक एसिड है ना, आइसोसियानिक एसिड, इसने आपको फॉर्मूला बताया होगा ऊपर बेटा आइसोसियानिक एसिड का, ये मोनोप्रोटिक है, एक एच डोनेट करता है, ठीक है ना, इसमें जितने एच एन सी ओ के मोल्स होंगे उतने ही एच प्लस के मोल्स भी आपने कंसिडर करने होंगे, तो मोल्स ऑफ, बल्कि इस तरह करेंगे जी, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, इसने ना यहाँ पर आपको बेटा आइसोसियनिक एसिड की पीएच बताई हुई है ना, देखिए वो 1000 में है, ठीक है 25 में कितनी होगी वो आप निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ आइसोसियनिक एसिड ट्वेंटी टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, देखें जी क्या आंसर आ रहा है, इसको जरा कैलकुलेट करें कोई बच्चा, 0.002 0.002। ये आपके पास बेटा यहाँ पर आइसोसियनिक एसिड के मोल्स आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात कहूंगा बेटा कि अगर आप एक काम करें ना, कोई कोई बच्चा भी मतलब क्विकली ये काम कर ले जल्दी से, आपको क्या आइसोसियनिक एसिड की पीएच पता थी या यहाँ पर नहीं पता ये बताओ, यस सर, जल्दी से पता बोलो, पता है। पता है ना, तो कोई बच्चा जल्दी से यहाँ पर एच आयन की कंसेंट्रेशन निकाल ले कि एच आयन की क्या कंसेंट्रेशन है बेटा। सर 3.16 × 10⁻³। अच्छा 3.16 × 10⁻³, -3 ये मोल्स आ रहे हैं आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, राइट, यही मतलब है ना कंसंट्रेशन का। यस। अच्छा अब आप इस तरह कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब आप इस तरह करें कि जरा 20 में निकाल लें, 20 में कितने आएंगे, सॉरी 20 में निकाल लें कितने मोल्स आएंगे, ये तो 1000 में आ रहे हैं, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं, 6.32 × 10⁻⁵। अगर कोई और बच्चा भी करके देख ले, यही आ रहे हैं यस सर, यही है यस बिल्कुल, यस सर, यही है, सर, बोलो जरा 6.32 3.32 × 10⁻⁵।10 रेस टू पावर माइनस
फाइव माइनस फाइव फाइव। ठीक है, बस ठीक है, मैं जो काम आप करना चाह रहे थे वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब बड़ा देखें, आपने ऊपर से बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और नीचे आपके पास एसिड है 0.002 मोल्स, और ये मोनोप्रोटिक एसिड है, मतलब ये आपके पास एच आइन्स है। ऊपर से आप 0.006 मोल ऐड कर रहे हैं, तो नीचे बेटा क्या होगा, 0.002 मोल एच आइन। तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने ओ एच बच जाएंगे ये बताइएगा। 0.001, नहीं, भाई ये जीरो देखो, फिर पॉइंट इसको जीरो जीरो टू जी, ये देखो भाई, ये देखो, ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना, ये इस तरह होता है 1:1 के साथ, कि जितने ओ एच आइन होंगे उतने एच आइन। ऊपर से ओ एच आइन आप कितने डाल रहे हो ये बता दो, टोटल आपने कितने एच जीरो आइन पॉइंट डाले, जीरो जीरो टू 0. नहीं ना भाई, 0.006 मोल डाले ना बेटा, ऊपर से एच आइन राइट सर, नहीं, और यस सर, एच आइन नीचे है कितने हैं, फ्लास्क में कितने हैं जी एच आइन। 0.002। अब ये बताओ कि यूज कितने होंगे, ये तो आपने डाल दिए, यूज इतने होंगे कि 0.002 सारे यूज हो जाएंगे और OH के 0.002 यूज होंगे, बाकी बच जाएंगे ना। देखो ना, नीचे एच आइन, नीचे एच आइन है 0.002, ऊपर से आप अगर 0.002 से ज्यादा OH आइन डालोगे तो वो अनरिएक्टेड रहेंगे, आपने ऊपर से 0.006 मोल ऐड किए, तो लिहाजा ये आपके एच आइन खत्म। यहाँ कितने ओ एच आइन बच गए, 0.004 मोल्स ऑफ ओ एच आइन्स अनरिएक्टेड रह गए हैं ये। अच्छा अब ये बताओ, ये जो अनरिएक्टेड मोल्स आपके पास आए हैं कितने वॉल्यूम में है, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है, नीचे पहले 20 था, ऊपर से 30 आपने ऐड किया भाई, बेटा 50 हो गया। OH तो 2 मोल्स है। अच्छा वो डबल हो चुका है भाई, जो आपने 0.003 को डबल किया था वो 0.006 नहीं हो चुका क्या, डबल कर दिया या तो एक दफा दोबारा भी डबल करें क्या अभी, हाँ नहीं सर, एक दफा कर दिया ना डबल जी सर, जी। अब बेटा देखिए कि आपके आपके पास अनरिएक्टेड मोल आए हैं, बेटा सर लेकिन ये बाइक वॉल्स ऑफ हमने कर दो निकाले थे, जी, बेटा क्या कह रहे हैं, मोल्स हमने 1000 cm³ में नहीं निकाले थे क्या? अभी निकाल रहे हैं बेटा, 1000 में क्यों निकालें, ये तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऊपर से जो आपने बेटा यहाँ ऐड किया बेरियम हाइड्रोक्साइड वो कितना ऐड किया, 30, और नीचे एसिड था 20, तो क्या ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं होंगे मोल्स, 0.004 मोल्स आपके 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1000 में आप अब निकालो, अब आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी है। तो थोड़ा लंबा काम है, और आपको अगर याद हो बेटा, क्या मैंने इस तरह का आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हेडिंग लिखवाई थी कि कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, याद आ रहे, यस हाँ, किया था हमने। तो वो यही क्वेश्चन था भाई, वो यही क्वेश्चन थे। तो 0.004 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 50, बेटा ये जो एक्स होगा दिस इज द कंसंट्रेशन, एक्स क्या आ रहा है जी आपके पास अब, 0.008 0.08 0.08, बेटा ये आपके पास आ गया एच आइन 0.08 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब वो ये कह रहा है, यूज योर आंसर टू वन सर, मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ मेथड यूज किया था इसका आंसर निकालने के लिए, लेकिन आंसर ठीक आया था मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैंने दोनों की यूज योर आंसर नहीं सर, मैंने जी दोनों बेटा, की बोले कॉन्सेंट्रेशन मैंने दोनों की न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, फिर उसके बाद मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाल दी, बना दी न्यूट्रलाइजेशन की, फिर उससे मैंने निकाला है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यूज योर आंसर टू वन टू कैलकुलेट द एच आइन एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द एडिशन। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, इसमें यूज योर आंसर टू केडब्ल्यू वन से केडब्ल्यू जी, अब आपने के डब्ल्यू की इक्वेशन लगानी है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन। सॉल्व करें आप, शाबाश,
1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 14 एच आइन इज एन ओ एच आइन क्या होगा भाई? 0.08 0.08 0.08। यहां से आपके पास जो एच आइन आएगा पर 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 0.08, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 जी। और अब बेटा आप इस तरह कीजिएगा कि इसको पीएच के फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल लो। 12.9 12.9। अच्छा अब आपने, अच्छा वैसे तो टाइट्रेशन कर्व्स निकल गए हैं लेकिन इसी से लिंक कर रहा है वो टाइट्रेशन कर्व को, तो ये भी बेटा कर लेते हैं साथ ही। अब वो कह रहा है कि ऑन द फॉलोइंग एक्सिस स्केच हाउ द पीएच चेंजेस ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ टोटल 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड टू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल आइसोसियानिक एसिड। देखो जो भी चीज ब्यूरेट से ऐड हो रही होती है ना, यहां तो चलो उसने लेबलिंग कर दिया, वैसे अगर लेबल ना भी किया होता तो एक चीज सुन लो, जो भी चीज ब्यूरेट में होती है ना वो आप एक्स एक्सिस में रखते, जो भी चीज आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे होगे वो एक्स एक्सिस में होगी। तो ये बताओ ब्यूरेट से ऐड कर, ब्यूरेट में से ऐड करने से पहले, ब्यूरेट में तो आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसने बता दी है, नीचे क्या था जी इसमें आइसोसियानिक एसिड, आइसोसियानिक एसिड की इनिशियल पीएच क्या थी अभी आपने जब ओएच ऐड नहीं किया था, इनिशियल पीएच क्या थी जी? 2.5 2.5। बेटा ये 2.5 से आपने स्टार्ट करना है, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 2.5। ठीक है 2.5 से स्टार्ट करोगे, दिस इज 2.5। और अब बेटा इसमें ना ये आपकी टाइट्रेशन कर्व है ना, आपने ये बताना है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहाँ होगी, कितना वॉल्यूम आपको, देखो अभी तो हमने एक्सेस में डाला था ना, कितना वॉल्यूम आपको एग्जैक्टली डालना होगा ताकि आइसोसियानिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसको आप याद है 10 cm³ क्योंकि 1:2 का रेशियो है, 10 cm³ डालना पड़ेगा जी। अच्छा ये तो चलो उसमें वॉल्यूम आसान दिया हुआ, अगर कोई डेसिमल्स में होता फिर क्या करना था, और अगर 1:2 ना होती कुछ और रेशियो होती तो आप एक फॉर्मूला बता दूं बेटा, इसका फॉर्मूला अगर नोट कर लें वो आसान है। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और आइसोसियानिक एसिड का मैं ऊपर से फॉर्मूला देख लेता हूं, ये है HNCO, HNCO दो मोल बेटा इसकी डालेंगे, BaNCO होल ट्वाइस 2H2O। ये देखो ये 1:2 है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो बड़ा काम का है, M1 V1 over N1 is equal to M2 V2 over N2। इसमें M जो है ना बेटा ये कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी भी बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन है, M is the concentration, V जो होगा बेटा वॉल्यूम यूज्ड, जो वॉल्यूम यूज हो रहा है, और N जो है ना बेटा N नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्शन, रिएक्शन में जो मोल्स हैं या जो आपके मेन रिएक्शन में मोल यूज हो रहे हैं। अभी समझाता हूं क्या, एक पार्ट आप कह दो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए है और एक पार्ट एसिड के लिए, HNCO। पर यहां पर इसकी मैं वैल्यूज पुट करता हूं, बताओ जी बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी थी, यहीं से देख के बता दो, 0.1। तो यहां लिखूंगा मैं 0.1। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम यूज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, यही तो हमने निकालना है, यही निकालना है भाई, ये फॉर्मूला इसीलिए काम आता है कि अगर आपने ये निकालना हो ना कि कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो वी वन ऐसे ही रहने देंगे, N1 पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्वेशन, इक्वेशन में बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 1 तो ऐसे आएगा इन। अब आगे इज इक्वल टू M2 कंसेंट्रेशन ऑफ आइसोसियानिक एसिड, आइसोसियानिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है जी, 0.1 N2 वॉल्यूम ऑफ आइसोसियानिक एसिड कितना है बेटा, 20 20 20, और N इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्वेशन 2। बेटा V1 आप निकाल लो यहां से, V1 इज इक्वल टू 0.1 times 20 divided by 2 times 0.1, 0.1 से 0.1 ये 2
इसको 10 कर देगा तो आपको वॉल्यूम पता चल गया, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको देना होगा फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो अब बेटा आपको यहाँ पर ना, अब आपको क्या करना है कि सर क्वेश्चन के अंदर से मोल्स निकाल के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ये जो N1 और N2 है ना बेटा, ये आपने हमेशा कंसिडर करना है क्या चीज के जो इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में जो आपके मोल्स आ रहे हैं उसको कंसिडर करना है, ठीक है। अब ये बताओ ये जो एसिड है ये स्ट्रांग है या वीक है, के ए ऊपर दिया हुआ है, स्ट्रांग है बेटा, स्ट्रांग कैसे है, पीएच की बेस पर नहीं बताते, के ए को देख के बताओ, के ए की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है, स्ट्रांग होगा वीक होगा, वीक होगा सर, वीक होगा। तो याद रखना बेटा वीक एसिड के लिए जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आता है ना, वीक ये जो टाइट्रेशन कर्व है ये किसके दरमियान है पता है, ये वीक एसिड स्ट्रांग बेस, हाँ स्ट्रांग बेस के दरमियान। अगर तो ऐसे होता ना बेटा, अगर तो ऐसे होता ना कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होता, तो जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट था वो 7 पे आना था और 3 से लेकर 3 से लेकर बेटा ये आपका 11 तक, ये आपका स्ट्रेट लाइन आनी थी। लेकिन अब जो है ये आपका वीक एसिड है, तो अब जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो 7 और 11 के दरमियान आएगा। तो इसको देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, 9 पे आएगा। जी बिल्कुल 9 पर आएगा, लेकिन इस चीज के वो मार्क्स नहीं दे रहा बेटा, ठीक है, इस चीज के वो मार्क्स कंसिडर नहीं कर रहा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। अच्छा अब देखो के जब उसने एट द एंड कितना बेटा उसने एच आइन ऐड किया, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड उसने कितना वॉल्यूम ऐड किया, 30। याद रखो जब 30 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा उसने ऐड किया था ना, तो फाइनल पीएच क्या आ रही थी बेटा, फाइनल पीएच 12.9। तो 12.9 आपने 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया है, मतलब यहाँ पर, तो ये आपका बन रहा है बेटा इधर, अगर मैं इसको रब कर दूं एक मिनट के लिए, ये 13.9 से थोड़ा सा पीछे आपने जाना है, यहाँ यहाँ पर आपने टच करना है जाकर, ये बेटा इस तरह। तो ये आपकी टाइट्रेशन कर्व है, इसको बेशक थोड़ा सा इस तरह भी आप कर सकते हैं, इससे कोई इस पे वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ना इसमें मार्क्स नहीं कटते, ये इस तरह बनेगा जी। लेकिन ये टाइट्रेशन कर्व बेटा अब आपके जो है ना सिलेबस से निकल गया है, ये AS में है, लेकिन मसला फिर वही है कि A2 में वो कहता है कि मैं AS में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको बहरहाल ये करना होगा। सर ज्विटर आइन क्या होता है? ज्विटर आइन बेटा, ज्विटर आइन तो चले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, असल में ठीक है ज्विटर आइन का ताल्लुक भी इस चैप्टर से इसलिए लिंक कर सकता है कि वो बफर सॉल्यूशन के तौर पर काम करता है। देखो ये आपका अमाइनो एसिड है ना, तो अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है, एक साइड पर उसके कार्बोक्सिलिक होता है, एक साइड पर उसके एमाइनो ग्रुप होता है, एक R होता है और एक H। अच्छा ये जो तीन ग्रुप्स मैंने बनाए हैं ये फिक्स हैं, कार्बोक्सिलिक एमाइनो एच फिक्स होंगे, R वेरी करेगा, R का मतलब अल्काइल हरगिज नहीं है, R में भी H, R में भी अल्काइल, लेकिन R ये भी हो सकता है भाई CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो फिलहाल हम R को इग्नोर करते हैं कि R को स्पेसिफाई नहीं करते। अब होता ये बेटा कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H है ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और अमाइनो ग्रुप इसको गेन कर लेगा, तो ये बनेगा NH3+CrHCOO-। ये क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने एच आयन को डोनेट किया और अमाइनो ने NH2 ने एच प्लस को गेन कर लिया, ठीक है। अब ये जो बेटा आपके पास यहाँ पर एक डायपोलर आयन बन गया है, डायपोलर आयन, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन असल में ये ज्वे जो है ना जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू, कि इसमें दो चार्जेस आ रहे हैं। अब ये जो ज्विटर आयन है जिसको मैं डायपोलर आयन कह रहा हूँ, उसकी खासियत ये है कि इलेक्ट्रिकली दिस इज न्यूट्रल, अगर आप नेट चार्ज देखें ना तो दिस इज न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैंसिल आउट हो रहे हैं ना बेटा,
तो जो इस पे नेट चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अच्छा, अब इसमें बफर सॉल्यूशन के तौर पर ये काम करता है, बफर सॉल्यूशन के तौर पर। कैसे? कि देखो, अगर आप इस ज्विटर आयन के अंदर, जो कि एक डायपोलर आयन है, अब आप में से कोई बताएगा ये जो कार्बोक्सिलेट है, अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्या ये एज अ एसिड काम कर रहा है या एज अ बेस काम कर रहा है? ये कार्बोक्सिलेट एज अ एज अ बेस काम कर रहा है, इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और बेटा कि जो NH3+ है ना, एसिड NH3+ अब एज एन एसिड काम कर रहा है। तो अब बेटा देखना कि अगर आप इसमें H+ ऐड करते हो, H+, तो ये फौरन कार्बोक्सिलेट आयन इसको गेन कर लेगा, NH3+ RHCOOH। और अगर आप इसमें बेटा बेस ऐड करते हो OH-, तो फौरन ये जो एसिडिक पार्ट है ना NH3+, ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पास बनेगा NH2CRHCOO-। तो आप देख सकते हो कि ज्विटर आयन एक्टिंग एज अ बफर, एसिड ऐड करते हो फिर भी, बेस ऐड करते हो फिर भी, वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। प्रम, मुझे ये बताएं कि अब हम अगर कल मैं चाह रहा हूँ कल आपको क्रोमेटोग्राफी करा दूं, क्योंकि एनालिटिकल में मैंने आपको NMR करवाया हुआ है ना बेटा, NMR। यस सर तो बस मैं चाह रहा हूँ कल आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी करा कर, ताकि आपका एनालिटिकल का पोर्शन तो खत्म हो, फिर उसके बाद ट्रांजिशन और ऑर्गेनिक रह जाएगा। ठीक है सर यस सर ओके जी सर ये बेटा, रिकॉर्डिंग TSA वाले ग्रुप में भी भेज दें। ठीक है।